प्रभारी मंत्री चंदन रामदास अपने 2 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे और इस दौरान प्रभारी मंत्री ने हाई एल्टीट्यूड रांची स्टेडियम का निरीक्षण किया और कार्य प्रगति को जांचा। कहा कि स्टेडियम की धीमी प्रगति पर कार्यदायी संस्था तेजी लाए, साथ ही बजट की कोई दिक्कत निर्माण कार्य के आड़े न आए, इसके लिए वे समय पर बजट का ख्याल भी रखेंगे। वहीं रांची स्टेडियम का 60% कार्य पूरा हो चुका है, जिसकी अनुमानित जो लागत है वो 22 करोड़ है, जबकि 10 करोड़ रुपए के रांची स्टेडियम के लिए खर्च किए जा चुके हैं। पौड़ी से मुकेश बशेती की रिपोर्ट। सर, आप तो बॉक्सिंग भी हो गया? यहाँ जनपद मुख्यालय आना हुआ, यहाँ कार्यकर्ताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने मेरा यहाँ अभिनंदन किया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मुझे 2 बड़ी योजनाएं देखने का भी आज मौका मिला। ये सफदरखाल जो पेयजल योजना है, इसको मैंने देखा है और 31 दिसंबर से पहले इसका काम पूर्ण करके मैं अपने जनप्रतिनिधियों के, माननीय विधायक जी के साथ इसका लोकार्पण 2022 में करूँगा।